बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये बलाई की मक्खन बनाने का। ये 5 दिन की मैंने बलाई कटी की है और इसका मक्खन बनाने लगी हूँ। ये मैंने डाल दिया इसमें, ये 5 मिनट लगने हैं तो मक्खन आ जाना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बनना शुरू हो गया, ये स्मूथ सा। ये अब इसे जाग नाने लगाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाता है, सिर्फ 5 मिनट की मेहनत से आ जाता है ये। ये देखिए ये स्मूथ सा हो जाता है, सख्त होने के बाद ये मक्खन आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बर्तन छोड़ना शुरू हो गया है, ये बस 2 मिनट में ही आ जाना। जो ऐसे मक्खन निकलता है ना इसका टेस्ट और होता है, जो ग्राइंडर में निकालते हैं उसका टेस्ट और होता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बस सिर्फ 1 मिनट और लगना है ये मक्खन आने में, सिर्फ 1 मिनट और। ये सॉफ्ट हो गया है, बस इसने दूध ने अपना छोड़ना है, मक्खन ने दूध निकाल देना, फालतू जो दूध है ना इसमें वो लैदा होने की बात है, सेपरेट हो जाएगा ना। ये देखें दूध लैदा हो गया है, अब सिर्फ चंद सेकंड की बात है। ये देखें मदानी ने भी छोड़ दिया मक्खन, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे दबा के सारा ही आपने ना लस्सी निकाला है, जो दूध एक्स्ट्रा डाल जाता है ना बीच मलाई के साथ वो। ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा मक्खन रेडी हो गया है। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।